हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू DMGS क्लासेस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास में। तो आज हम करंट अफेयर्स 2019 का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियाँ। इंटरनेशनल लेवल पे जो भी नियुक्तियाँ हुई हैं हाल फिलहाल में, इनसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, इनको डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें हमने सभी राष्ट्रीय नियुक्तियों को देखा था, है ना। तो उस वीडियो को भी आप देख लीजिएगा। और अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियाँ, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है। चलिए फिर शुरू करते हैं और देख लेते हैं कौन कौन सी मोस्ट इम्पॉर्टेंट नियुक्तियाँ 2019 में की गई हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे महिला नियुक्तियों से कि कौन कौन सी महिलाएं इंटरनेशनल लेवल पर चर्चा में रहीं, ठीक है। तो फर्स्ट हमने लिया है सुमन कुमारी, पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला जज, ठीक है। ये पाकिस्तान में पहली हिंदू महिला हैं जो कि जज बनी है, ठीक है। इनका नाम आप याद रखिए, सुमन कुमारी। नेक्स्ट है तुलसी गैबार्ड, USA के राष्ट्रपति चुनाव में खड़ी होने वाली प्रथम हिंदू महिला। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ी होने वाली प्रथम हिंदू महिला है कौन? तुलसी गैबार्ड। नेक्स्ट है अंशुला कांत, विश्व बैंक की CFO है, ठीक है। ध्यान दीजिए, CEO नहीं है ये, CFO है, ठीक है। मुख्य वित्तीय अधिकारी इनको कहते हैं, अंशुला कांत, विश्व बैंक की CFO इनको नियुक्त किया गया है। प्रीति पटेल, ब्रिटेन की गृह सचिव बनी है प्रीति पटेल। नेक्स्ट है पद्मा लक्ष्मी, ठीक है, UNDP की सद्भावना दूत इन्हें नियुक्त किया गया है, पद्मा लक्ष्मी, याद रखिएगा। गीता गोपीनाथ, IMF की मुख्य अर्थशास्त्री है बनी है गीता गोपीनाथ, इसको याद रख लीजिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस पक्का आएगा एग्जाम में। गीता गोपीनाथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेम है, IMF की मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त हुई हैं। GS लक्ष्मी, ICC मैच रेफरी की अंतर्राष्ट्रीय पैनल में शामिल होने वाली प्रथम महिला, ठीक है। GS लक्ष्मी ये अंतर्राष्ट्रीय पैनल में शामिल होने वाली प्रथम महिला है, किसकी? ICC मैच रेफरी की, ठीक है। अनीता भाटिया, UN वुमेन की उप कार्यकारी अध्यक्ष, ठीक है, काफ़ी चर्चा में थी अनीता भाटिया। सौम्या स्वामीनाथन, WHO की मुख्य वैज्ञानिक, WHO की मुख्य वैज्ञानिक है, याद रखिए कौन? सौम्या स्वामीनाथन। नेक्स्ट है इंदिरा नुई, इनको नाम जानते होंगे आप लोग, इंदिरा नुई, अमेजोन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में इनको अभी हाल ही में शामिल किया गया है, ठीक है। इनको नाम याद रखिएगा, इंदिरा नुई। जुजाना कैपितोवा, स्लोवाकिया की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है, कौन? जुजाना कैपितोवा, ठीक है। क्लेयर पोलोसॉक, पुरुष क्रिकेट मैच में अंपायरिंग, पुरुष क्रिकेट मैच में इन्होंने पहली बार अंपायरिंग की, तो इनका नाम याद रखिए, इम्पॉर्टेंट है, क्लेयर पोलोसॉक, ओके, पूछा जा सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट है सना मारिन, ये अभी हाल ही में काफ़ी चर्चा में रही थी, फिनलैंड की प्रधानमंत्री चुनी गई हैं, ठीक है, और मात्र 34 वर्ष की उम्र में इन्हें फिनलैंड की प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, सना मारिन, ये आएगा एग्जाम में, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं पुरुष नियुक्तियों से कि कौन कौन से पुरुष चुने गए हैं और हाल ही में चर्चा में रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है प्रफुल्ल पटेल, फीफा परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय, ठीक है। फीफा जानते होंगे खूब इसको आप, फीफा परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय हैं कौन? प्रफुल्ल पटेल। मनु साहनी, ICC के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO, ICC के CEO कौन है? मनु साहनी, ठीक है, मनु साहनी नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है तिजानी मोहम्मद बंदे, ये नाइजीरिया के हैं, ठीक है, पहली बात तो ये याद रखिए कहाँ के हैं, नाइजीरिया के हैं। कौन है? तो UNO महासभा के 74वें अध्यक्ष बने हैं ये, ठीक है, कौन? तिजानी मोहम्मद बंदे, इंपॉर्टेंट नेम है, याद रखिएगा। तो नेक्स्ट है डेविड आर मालपस, विश्व बैंक के 13वें अध्यक्ष के रूप में इन्हें चुना गया है, ठीक है। डेविड आर मालपस विश्व बैंक से रिलेटेड है, इम्पॉर्टेंट नेम हो जाता है, तो याद रखिएगा। अब बात करते हैं राष्ट्रपति जिनकी हाल फिलहाल में अभी नियुक्ति हुई है और जो इम्पॉर्टेंट कंट्रीज़ के हैं उन्हीं को मैंने यहाँ लिया है, ठीक है, जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो निकोलस मादुरो वेनेजुएला के राष्ट्रपति चुने गए हैं। जोको विडोडो ये इम्पॉर्टेंट नेम है, कई ये पहले भी थे, इस बार फिर से पुनर्निर्वाचित हुए हैं, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं, ठीक है। जेयर बोल्सोनारो ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा जेयर बोल्सोनारो इम्पॉर्टेंट नेम है और ये ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं, ओके। नेक्स्ट है मोहम्मद शतायाह, ये फिलिस्तीन के राष्ट्रपति चुने गए हैं, ठीक है, फिलिस्तीन है, इम्पोर्टेंट कंट्री है, काफ़ी चर्चा में रहता है ये देश।
तो याद रखिएगा कहाँ कौन है इनके राष्ट्रपति, मोहम्मद शताया। ओके, वोलोदिमिर जेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति अभी निर्वाचित हुए हैं। कासिम जोमिती टोकाये ये कजाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं, ठीक है, कासिम कजाकिस्तान से, याद रखिए। गोताबाया राजपक्षे श्रीलंका के राष्ट्रपति अभी चुने गए हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब आइए देखते हैं प्रधानमंत्री कहाँ कहाँ के चुने गए हैं। तो बोरिस जॉनसन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, बोरिस जॉनसन। स्कॉट मॉरिसन ये ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री चुने गए हैं, ठीक है, बोरिस जॉनसन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एंड स्कॉट मॉरिसन ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं लॉटे शेरिंग ये भूटान के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। ओके, लॉटे शेरिंग, ठीक है, नाम से आपको लग रहा होगा, तो भूटान के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ये इसराइल के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, ये पहले भी थे, इस बार फिर पुनर्निर्वाचित हुए हैं, बेंजामिन नेतन्याहू। नेक्स्ट है अब्दुल्ला हमदोक ये सूडान के प्रधानमंत्री निर्वाचित किए गए हैं, ठीक है। तो ये हमने देख लिया प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति और सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों को, तो एग्जाम से पहले ज़रूर देख के जाइएगा अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय नियुक्तियों के दोनों वीडियो को, ठीक है, निश्चित तौर पे एक नए क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को ज़रूर मिल जाएगा। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।